ग्रेडियंट डिसेंट, कॉस्ट फंक्शन, लर्निंग रेट और मीन स्क्वायर एरर, हम इस कॉन्सेप्ट को आज कवर करने वाले हैं और पाइथन का कोड लिखेंगे जिसमें हम ग्रेडियंट डिसेंट को इम्प्लीमेंट करेंगे। अब यूजुअली होता क्या है, जब आप मशीन लर्निंग पढ़ने की शुरुआत करते हो, चाहे कि वो कोर्सेरा या यूडेमी का कोर्स हो या तो फिर आप यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, उसमें फर्स्ट फ्यू लेक्चर में मैथ आता ही आता है। और जब आप कॉम्प्लेक्स मैथ की इक्वेशन देखते हो ना, तो आपके दिमाग की बत्ती ही उड़ जाती है। आप सोचते हैं मेरे तो कॉलेज में यार या तो फिर स्कूल में 100 में से 7 मार्क आया करते थे, अब ये मैथ कैसे मैं पढ़ूंगा, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। और बाद में जब ऐसे कुछ मैथ के कॉम्प्लेक्स लेक्चर में जाके जब बाहर निकलता है ना, तो आपकी हालत हो चुकी होती है कुछ ऐसी। लेकिन दोस्तों घबराओ मत, ये इतना डिफिकल्ट जो आप सोचते हो ना ऐसा नहीं है। यूजुअली लोग है ना थोड़े लेक्चर अटेंड करते हैं मशीन लर्निंग के और बाद में छोड़ देते पढ़ाई, बोलते हैं मैथ इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। अरे यार ऐसा नहीं है, मैथ जो है वो सारे जो एसक्यूएल और टेंसर फ्लो की APIs में सारा रैप हो चुका है, तो आपको मैथ को डिटेल में जान के उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। मैथ जानने से फ़ायदा ये होता है कि आपको कौन सा मशीन लर्निंग का मॉडल यूज़ करना है और पैरामीटर को ट्यून कैसे करना है, उसके थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग आती है। लेकिन अगेन उसके लिए भी आपको डिटेल में मैथ जाने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, आपको ऊपर का ओवरव्यू पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम वही करने वाले हैं, हम ग्रेडियंट डिसेंट की थोड़ी थियरी पढ़ेंगे जिसमें थोड़ा बहुत ओवरव्यू लेंगे और बाद में उसका पाइथन का प्रोग्राम लिखेंगे। हम स्कूल डेज में जब लीनियर इक्वेशन पढ़ते थे तो सर हमें ये सिखाते हैं कि अगर तुम्हारे पास ये इक्वेशन है तो वाई की ये इक्वेशन है और ये एक्स की वैल्यूज़ है, तो वाई डिराइव करने के लिए वी कैन डू सिंपल मैथ कि जैसे एक यहाँ पे रखा तो 2 × 1 = 2 एंड देन 3 = 5। सिमिलरली दो रखोगे तो 2 × 2 = 4 एंड 3 = 7। तो ये सब हम करा करते थे। मशीन लर्निंग में होता यह है कि तुम्हारे पास एक्स और वाई की वैल्यू होती है और तुम्हें डिराइव करनी होती है ये इक्वेशन, राइट? तो जैसे हमने होम प्राइसेस का जो प्रॉब्लम सॉल्व किया, उसमें था क्या, हमारे पास एरिया और प्राइस की एरिया और उसकी प्राइस थी घर की, और उसके ऊपर से हमने एक इक्वेशन डिराइव की थी ये। अब आपको अगर याद नहीं है कि ये इक्वेशन कौन सी थी, तो पता है हमने किया था वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी और कोएफिशिएंट और इंटरसेप्ट फाइंड किया था। अब हम आप ये ट्यूटोरियल देखोगे ना यहाँ पे, तो पहले वाले ट्यूटोरियल में देखो कोएफिशिएंट हमने फाइंड किया था 135 और इंटरसेप्ट था 180,000, और वही चीज़ यहाँ पे है 135 180,000। ठीक है, तो मशीन लर्निंग में टिपिकली ये बात याद रखो कि इनपुट आउटपुट होता है और उसके ऊपर से आप इक्वेशन फाइंड करते हो, और इक्वेशन को बोलता है प्रेडिक्शन फंक्शन। और एक बार आपके पास प्रेडिक्शन फंक्शन आ गया ना, तो आप किसी भी घर की प्राइस प्रेडिक्ट कर सकते हो, सिर्फ आपको एरिया की वैल्यू यहाँ पे रखने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो अब जो फर्स्ट वाले ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि मॉनरो की होम प्राइसेस का हमने एग्जांपल दिया था, जिसमें एरिया वर्सेस प्राइस का हमने ये स्कैटर प्लॉट चार्ट किया था, और उसमें हमने ये बेस्ट फिट लाइन जो है ना ब्लू कलर की, वो हमने फाइंड करने की कोशिश की थी। अब प्रॉब्लम ये होती है कि ये रेड दो डॉट्स जो है, जो तुम्हारे एक्चुअल डेटा पॉइंट्स है, उसमें से तो तुम ये तीन टाइप की लाइन पास होती हुई तुम देख सकते हो, तो कौन सी लाइन सबसे बेस्ट है। तो ये डिटरमाइन करने का तरीका ये होता है कि आप पहले एक कोई भी रैंडम लाइन ड्रॉ कर दो, उसके बाद में तुम्हारा एक्चुअल डेटा पॉइंट और लाइन जो प्रेडिक्ट करने वाली है वो डेटा पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो है डेल्टा, उसको निकालो और सारे डेल्टा को स्क्वायर करके उनका सम कर दो। ये इक्वेशन में जो ये ई जैसा दिख रहा है ना, उसका मतलब होता है सम करना, कि एक से लेके एन डेटा पॉइंट है, यहाँ पे एन मतलब 5 है लेकिन ज़्यादा भी हो सकते हैं तो हम इसलिए एन लगते हैं, वो सब डेल्टा को हम सम करते हैं, और उसके उससे पहले है ना सब डेल्टा को हम स्क्वायर भी करते हैं, उसको वो नेगेटिव वैल्यू को टैकल करने का ये तरीका है और कुछ उसका पर्पज़ नहीं है। ठीक है, ये अगर माइनस है ये पॉजिटिव है ना, तो अगर मैं स्क्वायर नहीं करूँगा ना तो पूरा रिजल्ट हमारा स्क्यू हो जाएगा, इसीलिए इसको स्क्वायर करके सम करते हैं, बाद में उसको एन से डिवाइड करके उसकी एवरेज निकालते हैं, जो नंबर आता है ना उसको हम बोलते हैं मीन स्क्वायर एरर। तो मीन स्क्वायर एरर का ये इक्वेशन है, और ये इक्वेशन कुछ भी नहीं है, जो मैंने ये समझाया ना सिर्फ उसी को ही मैंने अलग तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। राइट, वाई आई मतलब
कि एक्चुअल वाई डेटा पॉइंट माइनस वाई प्रेडिक्टेड, मतलब लाइन ने तुम्हारा क्या प्रेडिक्ट किया, तो ये डेल्टा है तुम्हारा, डेल्टा को स्क्वायर किया, सबको सम किया और उसको एन से डिवाइड किया तो आ गई मीन स्क्वायर्ड एरर और MSE। इसको हम कॉस्ट फंक्शन भी बोलते हैं। और ये मीन स्क्वायर्ड एरर जो फाइंड करने का जो अल्गोरिदम है ना, उसको बोलते हैं ग्रेडियंट डिसेंट। ये तुम्हें वो स्कैटर प्लॉट में से जाती हुई एक सबसे बेस्ट फिट लाइन है ना, ये फाइंड करने में यूज़ करेगा। तो ग्रेडियंट डिसेंट इज़ अ वेरी फंडामेंटल थिंग इन मशीन लर्निंग, और ये ग्रेडियंट डिसेंट एक ट्रायल एरर बेस्ड अप्रोच है। तो मैंने यहाँ पे एक 3D प्लॉट आपको दिखाया है जिसमें एम और बी की वैल्यू को प्लॉट किया है MSE, मतलब कि मीन स्क्वेयर एरर के अगेंस्ट में। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको डिफरेंट एम की वैल्यूज़ है, यहाँ पे डिफरेंट बी की वैल्यू है, और यहाँ पे ये एक चादर जैसा जो प्लेन दिख रहा है ना, वो सिर्फ MSE की वैल्यू है। तो आप सोच लो जैसे एम की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 0 है, तो ये दोनों यहाँ पे मिलते हैं ना, तो यहीं पे कहीं पे जो MSE वैल्यू आती है वो होती है। तो हम करते क्या है कि हम पहले रैंडम एम और बी की वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। मैं ये आपको ग्रेडियंट डिसेंट अल्गोरिदम कैसे वर्क करता है ना, वो समझाता हूँ। उस अल्गोरिदम में पहले एम और बी की रैंडम वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो इस 0 से चालू कर दिया, तो एम 0 है, बी 0 है, तो हमने जो MSE जो है ना, मतलब मीन स्क्वायर एरर, वो कैलकुलेट करते हैं और यहाँ पे एक प्लॉट करते हैं। और वो कैलकुलेट, वो जो हमने इक्वेशन देखी ना, इस इक्वेशन के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम एम और बी की वैल्यू को थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं। अब ये थोड़ा सा जो है ना, वो मैं बाद में समझाऊंगा कि कितना रिड्यूस करना है, लेकिन अभी के लिए मान लो कि हमने थोड़ा सा रिड्यूस किया। फिर से MSE की वैल्यू कैलकुलेट की और हमें पता चला कि अच्छा कॉस्ट रिड्यूस हो रहा है, तो बाद में हम फिर से उसको थोड़ा रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस करते जाएंगे जब तक ये मिनिमम फाइन ना हो जाए, ठीक है। तो अब राइट हैंड साइड के चार्ट में मैंने दिखाया है कि ये तीन लाइन जो है ना, जैसे इस लाइन का ये एम एन बी ये है, दूसरी लाइन का दूसरा कोई एम एन बी है, और तीसरी लाइन का तीसरा एम एन बी है। तो ये ब्लू लाइन का एम एन बी जो है ना, ये यहाँ पे आ जाएगा जहाँ पे तुम्हारा कॉस्ट एकदम मिनिमम हो जाएगा। ये थोड़ा विजुअलाइजेशन है ये ग्रेडियंट डिसेंट अल्गोरिदम को एक्सप्लेन करने के लिए। ये अच्छी सी वेबसाइट पे मैंने रेफरेंस लिया है। तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एम की वैल्यू कैसे रिड्यूस हो रही है, बी को हमने कांस्टेंट रखा है, और आइट्रेशन मतलब ट्रायल एंड एरर, राइट। आइट्रेशन मतलब उसका मतलब क्या कि ये देखो पहले यहाँ से स्टार्ट किया, बाद में यहाँ गए, यहाँ गए, तो 1 2 3 ये तुम्हारे स्टेप्स और आइट्रेशन होता है। तो हर स्टेप में या हर आइट्रेशन में देखा नंबर बढ़ रहा है ना यहाँ पे, तो क्या होता है एम की वैल्यू कैसे रिड्यूस होती है ये दिखाते हैं। और इवेंचुअली आपको रेड कलर की ये लाइन मिल जाती है जो सबसे बेस्ट फिट होता है आपके डेटा के लिए, ठीक है। अब इसको थोड़ा डिटेल में और जाके देखते हैं। ये 3D प्लेन है ना, उसको मैं 2 2D प्लेन में ऐसे डिवाइड कर देता हूँ, जिसमें आप समझ लो ये एक दीवार है और यहाँ पे जो बी लिखा है ना, यहाँ पे आप खड़े हो तो ये दीवार दिखेगी ना, तो उसमें MSE दिखेगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, वर्टिकल एक्सिस पे, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आपको दिखेगा बी। तो आपको चार्ट कुछ ऐसा दिखेगा। और सिमिलरली अगर इसको दीवार समझ लो और आप यहाँ पे खड़े हो, तो आपको ये पूरा प्लेन जो है ना कुछ ऐसा दिखेगा। और रेड कलर का डॉट है ना, वो तुम्हारी ऑप्टिमल वैल्यू है एम और बी, जिसके लिए कॉस्ट सबसे कम है, उसको हम मिनिमा भी बोलते हैं। अब स्टेप्स कैसे लेने हैं उसकी बात करते हैं। तो जैसे चलो हम एक स्ट्रेटजी ये डिसाइड करते हैं कि फिक्स साइज़ के स्टेप ले। फिक्स साइज़ के स्टेप लेने का डिसएडवांटेज ये है कि आप स्टेप लेते लेते ये सारे एरो है ना, उसकी साइज़ देखो सेम है, अगर यहाँ पे आ गए और यहाँ पे से दूसरा एक रिड्यूस कर दिया, राइट। तो फिक्स साइज के स्टेप का मतलब है कि बी की वैल्यू आपने यहाँ से स्टार्ट की, MSE कैलकुलेट किया, उसके बाद में बी की वैल्यू थोड़ी रिड्यूस की, तो थोड़ी है ना वो एक्स, जैसे कि आपने कांस्टेंट कर लिया। तो आप यहाँ पे जब आओगे ना, तो आप ये ग्लोबल मिनिमा को मिस करते जाओगे और आप यहाँ पे आ जाओगे, और उसके बाद में आप बी रिड्यूस भी करोगे ना, तो आपका कॉस्ट तो बढ़ने वाला है, ठीक है। तो ये फिक्स स्टेप वाली स्ट्रेटेजी नहीं काम करेगी। तो दूसरी स्ट्रेटेजी ये है कि आप जो स्टेप लेते जाओ और जैसे ही एरर आपकी रिड्यूस होती है, उसको स्टेप को थोड़ा थोड़ा घटा दे जाओ।
अब ये भी एक डिफ़िकल्ट सवाल है कि थोड़ा मतलब कितना घटाना है। तो उसके लिए है ना हम क्या करेंगे कि पहले तो हर एक पॉइंट पे ये एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट मतलब हर एक पॉइंट पे जो स्लोप है ना वो लाइन ड्रॉ करेंगे, और उस स्लोप की लाइन में हम आगे बढ़ेंगे और वो स्टेप थोड़े घटा दे जाएंगे। ठीक है, अब थोड़ा मैथ देखना पड़ेगा। स्ट्रेट लाइन का स्लोप तो हमें पता है, लेकिन ऐसे कर्वेचर वाली लाइन पे वो भी एक पॉइंट का स्लोप क्या होता है? तो मैं इसके लिए है ना हमें थोड़े डेरिवेटिव और पार्शियल डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट जानने पड़ेंगे। एक यूट्यूब पे चैनल है 3B1B करके, ये बंदा बहुत ही अच्छा पढ़ाता है, आई हाईली रिकमेंडेड। और इस चैनल पे जाके आप अपने कैलकुलस के एसेंशियल या तो लीनियर जेब्रा के एसेंशियल को रिफ्रेश कर सकते हो। ये जो पर्सन है ना वो विजुअलाइजेशन यूज़ करता है और वो मैथ ऐसे पढ़ाता है जैसे पोएट्री पढ़ाता हो, तो बहुत ही इफेक्टिव लर्निंग है। तो आप अपने फंडामेंटल्स मैथ के कुछ ब्रशअप करना चाहे तो यहाँ पे जाके कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको है ना पार्शियल डेरिवेटिव डेरिवेटिव का मैं ब्रीफ में ओवरव्यू दे देता हूँ। तो ये एक वेबसाइट है mathisfun.com, उसमें इन लोगों ने डेरिवेटिव्स का अच्छा समझाया। तो पहले डेरिवेटिव होता क्या है? स्ट्रेट लाइन है, उसका स्लोप तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, चेंज इन वाई डिवाइड बाई चेंज इन एक्स इज योर स्लोप। सिमिलरली दो पॉइंट अगर स्ट्रेट लाइन नहीं भी है और दो पॉइंट के बीच का स्लोप आपको निकालना है, तो दो पॉइंट का वाई का जो डिफरेंस और एक्स का डिफरेंस को डिवाइड कर दो तो स्लोप मिल जाएगा। लेकिन स्पेसिफिक पॉइंट का स्लोप कैसे निकाले, ये ट्रिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे ये स्पेसिफिक पॉइंट पे आपको स्लोप निकालना है तो आप है ना पहले ये कर लो, एक आपके घर में अगर मैग्नीफायर है ना तो मैग्नीफायर लेके आओ और उसको थोड़ा जूम इन करो इस डेटा पॉइंट को। तो जूम इन करोगे ना तो जो माइन्यूट डेटा पॉइंट है ना वो तो आपको स्ट्रेट लाइन ही दिखेंगी, और उस स्ट्रेट लाइन का है ना डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स करोगे ना तो आपको स्लोप मिल ही जाएगा। तो आइडिया ये है कि जैसे ही एक्स अप्रोच करता है ज़ीरो को, आपकी स्लोप की एक्यूरेसी बढ़ती है। ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है डेरिवेटिव्स का। ठीक है, यहाँ पे वही समझाया है कि चेंज इन वाई डिवाइड बाई चेंज इन एक्स, एंड एज डेल्टा एक्स श्रिंक्स टूअर्ड्स ज़ीरो योर स्लोप बिकम्स मोर एक्यूरेट। अब थोड़ा और मैथ है, और मैथमेटिकली ये प्रूव किया है कि अगर आपकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर तो उसका स्लोप होगा 2x। तो एक्स स्क्वायर जो इक्वेशन का जो भी चार्ट है ना, कोई भी पॉइंट पे आपको स्लोप फाइंड करना है तो वो होगा 2x। दिस इज़ मैथमेटिकली प्रूवन, और उसको बोलते हैं डेरिवेटिव, मतलब कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ 2x। और उसका एक फॉर्मूला होता है कि जो स्क्वायर है ना ये 2 है ना उसको आगे ले जाओ तो 2 आगे आ गया, और 2 में से एक बात रिड्यूस कर दो तो 2 में एक से एक रिड्यूस करते हैं तो एक्स रेस टू 1 होता है, और उसको एज ए एक्स भी लिख सकते हो, इसलिए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। अब आता है पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव में अगर इक्वेशन में दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जैसे ये इक्वेशन में है ना एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल था एक्स, इसमें दो वेरिएबल है एक्स स्क्वायर और वाई क्यूब, तो इसमें हम पार्शियल डेरिवेटिव ढूंढते हैं। उसको बोलते हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये जो मेरा फंक्शन है ना उसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और वो कैलकुलेट करने के लिए जो दूसरा वेरिएबल है जो वाई उसको ज़ीरो कर दो और एक्स का डेरिवेटिव ढूंढ निकालो। तो एक्स एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको पता है 2x होता है, तो हमारा ये आ गया पार्शियल डेरिवेटिव कि इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज 2x। सिमिलरली विथ रिस्पेक्ट टू वाई फाइंड करने के लिए एक्स को ज़ीरो कर दिया, और वाई क्यूब जो होता है ना उसका डेरिवेटिव होता है 3 को आगे ले जाओ और 3 में से एक रिड्यूस कर दो तो 3y² आ जाता है। अगेन जस्ट टू रिवाइज, अगर एक्स क्यूब फंक्शन है तो उसका जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 3x², और अगर एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर होता है तो उसमें पहले हम पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो 3x² होगा, और पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो होगा 2y। अब हमारी जो मीन स्क्वायर एरर जो हमारी इक्वेशन है, ये भी एक इक्वेशन ही है राइट, तो उसमें हम पार्शियल डेरिवेटिव ढूंढेंगे फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू m, देन विथ रिस्पेक्ट टू b।
तो इसकी इक्वेशन ये होती है। अब ये इक्वेशन कैसे आई वो उसके लिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि अदरवाइज स्कोप बढ़ जाएगा, लेकिन ये कुछ नहीं है, ये पार्शियल डेरिवेटिव मैथमेटिकली हमने कैलकुलेट किया है। तो आप ज़्यादा टेंशन मत लो, यू कैन एक्सेप्ट दिस इज़ द पार्शियल डेरिवेटिव, और अगर आपको इंटरेस्ट है डिटेल में जाने के लिए तो यू कैन फॉलो सम अदर रिसोर्सेज। सिमिलरली पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ बी ऑफ एम एस सी विथ रिस्पेक्ट टू बी इज़ दिस। और हम क्या करते हैं कि अब ये जो हमने स्लोप देखा ना, तो उसमें हर एक पॉइंट पे हम पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करके और स्टेप लेके हम थोड़ा थोड़ा इसको रिड्यूस करेंगे, राइट। तो ये स्टेप की साइज़ है ना, जो एरो की साइज़, वो कैसे कैलकुलेट करनी होती है वो मैं बता रहा हूँ। तो होगा इस तरीके से कि पहले एम और बी की कोई रैंडम वैल्यू से हम चालू करेंगे, लेट्स से ज़ीरो। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में कैसे जाएंगे, तो ये है स्टेप साइज़। देखो ये जो है ना लर्निंग रेट इनटू दिस, ये स्टेप साइज़ है, और एम की इनिशियल वैल्यू में से हम स्टेप साइज़ बात करते हैं। तो स्टेप साइज़ होती है तुम्हारा पार्शियल डेरिवेटिव, जो कि होता है स्लोप, और एक लर्निंग रेट होता है। लर्निंग रेट मतलब आपको कितना स्पीड में आपको कट डाउन करना है, कितना स्पीड में आपको स्टेप लेने हैं, राइट। तो वो लर्निंग रेट कैसे लेना है वो भी हम बाद में बात करेंगे, लेकिन कोई एक्स लर्निंग रेट लेके हम स्टेप्स को रिड्यूस कर सकते हैं। तो मान लो आपने B1 से स्टार्ट किया, तो आपका B2 होगा B1 माइनस लर्निंग रेट इनटू द पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये इतनी थियरी होगी। अब हम पाइथन का कोड लिखेंगे ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। आज के ट्यूटोरियल में मैं पाइचाम IDE का यूज़ करूँगा। आपको जुपिटर नोटबुक यूज़ करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। पाइचाम कम्युनिटी एडिशन फ्री है, तो आप जेट ब्रेन की वेबसाइट पर से वो डाउनलोड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे एक्स और वाई दो एरे ली है, और हमने जैसे थियरी में इनिशियली देखा ना कि एक्स और वाई की वैल्यू, आपके पास दो एरे है और उसके पर से हमें इक्वेशन जो है वाई की इक्वेशन जो आपको दिख रही है वो हमें फाइंड आउट करनी है ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम का यूज़ करके। तो यहाँ पे ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हमने जैसे थियरी में देखा ना कि फर्स्ट स्टेप होता है कि आप एम और बी की रैंडम वैल्यू से स्टार्ट करो। तो हमने स्टार्ट कर दिया, चलो भैया ज़ीरो से, ओके। सो ज़ीरो की वैल्यू से हमने इनिशियलाइज़ कर दिया, और हमें थोड़े आइट्रेशंस में, लेट्स से हम 10 आइट्रेशन से चालू करते हैं, तो हमें ये 10 स्टेप लेंगे और कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि कितना कॉस्ट रिड्यूस होता है। तो यहाँ पे फॉर आई इन रेंज आइट्रेशंस, तो मैं आइट्रेट कर रहा हूँ। सबसे पहले हमें वाई प्रेडिक्टेड क्या है ये निकालना है। तो वाई प्रेडिक्टेड जो है ना वो कुछ नहीं लेकिन एम इंटू एक्स प्लस बी। तो बी करंट की वैल्यू है ना, उसके ऊपर से आपने वाई प्रेडिक्टेड निकाल दिया। अब कॉस्ट की इक्वेशन आपको पता ही है, कॉस्ट की इक्वेशन होती है, सबसे पहले आपको वाई माइनस वाई पी करना पड़ता है, ठीक है। अब वाई देखा ना, ये नंपाई की एरे, देखो वाई हमने यहाँ पे पास किया है, नंपाई की एरे को आप ऐसे माइनस कर सकते हो और वो बाद में रिटर्न में वेक्टर देगी। तो ये वेक्टर होगी ना, वो बेसिकली वेक्टर इज़ लाइक अनदर लिस्ट और अरे, तो उस पे आप लिस्ट कंप्रिहेंशन का यूज़ कर सकते, करके ऐसे ऐसे लिख सकते कि फॉर वेल इन दिस, ओके। तो ये हर एक वैल्यू जो डेल्टा की वैल्यू आती है ना, देखो वाई माइनस वाई वाई पी क्या होता है, वो डेल्टा का वेक्टर होता है। तो आप हर एक इंडिविजुअल डेल्टा वैल्यू में से आइट्रेट कर रहे हो, और हर एक डेल्टा वैल्यू को आप कर रहे हो स्क्वायर। तो पाइथन में ऐसे स्क्वायर कर सकते हैं और उसको ऐसे अरे में हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एवरी डेल्टा वैल्यू, राइट। और सम के लिए हमें सम करना पड़ेगा, तो ये आ गया सम, ठीक है। अब उसको हम 1/n करेंगे, तो ये आ गया हमारा मीन स्क्वेयर एरर, ठीक है। अब n क्या है, तो n होता है लेन ऑफ x। x और y की लेंथ वैसे सेम ही होनी चाहिए, तो आप वैलिडेशन डाल सकते हो, तो डजेंट मैटर x है और y, राइट। तो उसकी
लेंथ से डिवाइड किया तो ये कॉस्ट आ गया, और इसको हम मीन स्क्वायर एरर भी बोल सकते हैं। अब हमें फाइंड करना है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एम, ठीक है, और हमने इक्वेशन में ऑलरेडी देखा, तो हम इक्वेशन को ही इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि 2/n होता है इनटू सम ऑफ समथिंग। अच्छा, सम ऑफ क्या? x इंटू वाई माइनस वाई प्रेडिक्टेड, ये इक्वेशन होती है, ये होता है m का पार्शियल डेरिवेटिव, और b का जो पार्शियल डेरिवेटिव होता है वो है, अगेन ये जो राइट साइड में आपको इक्वेशन लिख रहे हैं ना, उसको इक्वेशन को ही मैं यहाँ पे छाप रहा हूँ कोड में, y माइनस वाई पी, ठीक है। तो ये पार्शियल डेरिवेटिव आ गया, और हमने स्टेप की भी इक्वेशन देखी है कि स्टेप की इक्वेशन है कि जो नया वाला जो m है ना वो करंट m माइनस लर्निंग रेट। अच्छा, अब लर्निंग रेट क्या है ये हमें नहीं पता, माइनस लर्निंग रेट इनटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m। तो लर्निंग रेट ये ट्रायल एंड एरर है, तो हम कुछ भी लर्निंग रेट रख सकते हैं, तो जैसे 0.001, ठीक है, रैंडमली हमें ट्रायल एरर करके फाइंड करना पड़ेगा कि क्या आता है, और हम प्रिंट करेंगे m की वैल्यू को, b की वैल्यू को और कॉस्ट को, ठीक है। तो m करंट, b करंट एंड कॉस्ट, और एक चीज़ भी कर देता हूँ भैया, चलो आइट्रेशन भी प्रिंट करवा देते हैं कि कौन से आइट्रेशन में क्या हो रहा है, हमें पता तो चले यार। ठीक है, तो इतना कोड हो गया हमारा, मैं ये एक्स्ट्रा स्पेस निकाल देता हूँ और मैं इसको अब रन करता हूँ, ठीक है। तो रन करने के लिए एक्चुअली एक स्टेप भूल गया, मैंने बी करंट जो है वो बी करंट माइनस, सेम चीज़ ये करनी पड़ेगी ना, लर्निंग रेट इनटू बीडी। ऑलराइट, चलो अब इस कोड को रन करके देखते हैं कि होता क्या है। अच्छा, इसको है ना मैं राइट हैंड साइड में, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हर एक आइट्रेशन में जो कॉस्ट है ना वो रिड्यूस हो रहा है, तो ये अच्छी बात है, इसका मतलब है हम लोकल मिनिमा ग्लोबल मिनिमा की ओर बढ़ रहे हैं। तो अब हम क्या करते हैं, लर्निंग रेट को थोड़ा और बढ़ा के देख लेते हैं कि कॉस्ट का क्या होता है। तो इसमें भी कॉस्ट तो घट ही रहा है, तो अच्छा ये तो अच्छी बात होगी, चलो कॉस्ट थोड़ा फास्ट घट रहा है, तो मतलब ये लर्निंग स्टेप है ना वो थोड़ा अच्छा लग रहा है। 0.1 ट्राई करके देख लेते हैं। अच्छा, अब देखो 0.1 ट्राई करने से लफड़ा हो गया है, कॉस्ट 89 था, बाद में 165 हो गया, मतलब कि ये लर्निंग रेट थोड़ा ज़्यादा ही है, हम ग्लोबल मिनिमा को मिस कर रहे हैं, तो 0.1 तो नहीं चलेगा। तो 0.01 था जिसमें कॉस्ट आ गया था ये, 0.05 करके देख लेते हैं। चलो इसमें भी अच्छा इम्प्रूवमेंट है कि कॉस्ट देखो 89 से 3 हो गया 0.8, और घट घट के 0.69 हो गया। ये ट्रायल एरर करके आप ऑप्टिमल कॉस्ट वगैरह निकाल सकते हो। चलो ये भी अच्छा है, 89 टू 56 टू ये, और इसमें ना आइट्रेशन ऐसा है ना तो बढ़ा देते हैं, आइट्रेशन बढ़ा के देख लेते हैं। तो 1000 आइट्रेशन करने से हो गया है मेरा कॉस्ट देखो 1.5 raised to -24, मतलब कॉस्ट इज़ ऑलमोस्ट नियर टू ज़ीरो, और आपने देख लिया मेरे को m और b की ऑप्टिमल वैल्यू भी मिल गई, b इज 2.99 विच इज़ 3। तो हमारी इक्वेशन में हमने देखा था ना कि y इज इक्वल टू 2x+3, तो देखो ये हमको ग्रेडियंट डिसेंट ने ये फाइंड करके बता दिया, गुड जॉब। अब ये सवाल उठता है कि हमें स्टॉप कब करना है, तो एक स्ट्रेटेजी ये है कि आप
कॉस्ट को प्रीवियस कॉस्ट के साथ कंपेयर करते जाओ और देखो कि कॉस्ट बहुत रिड्यूस हो रहा है कि नहीं। देखो हमने ये 1000 आइटरेशन किए थे ना, तो उसमें फिर भी ये कॉस्ट देखो 1.59, 1.51 थोड़ा रिड्यूस हो रहा था, लेकिन -24 है तो इतना भी रिड्यूस नहीं होता। लेकिन चलो मान लो 10,000 स्टेप है, तो 10,000 स्टेप्स में होगा क्या कि आप देखोगे कि बिटवीन ऑल दिस स्टेप्स कॉस्ट बहुत कुछ खास रिड्यूस नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आपको सारे इतने सारे आइटरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रीवियस कॉस्ट को कंपेयर करने करने की स्ट्रेटेजी हम यूज़ कर सकते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि हमें स्टॉप कब करना है, ठीक है? तो ये एक बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। मैंने एक जुपिटर नोटबुक बनाई है थोड़े विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए, जो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन जो नीचे है ना इस वीडियो में उसमें मिल जाएगी। उसमें पाइथन की मेरी फाइल और जुपिटर नोटबुक दोनों की लिंक रखी हुई है। तो इसमें जब जब भी मैं ये फॉर लूप रन करता हूँ तो हर बार मैं ये लाइन ड्रॉ करता हूँ, और ये रेड डॉट्स इतने विजिबल नहीं है लेकिन ये हमारे एक्चुअल एक्स और वाई डेटा पॉइंट्स हैं, और उसमें हमने इवेंचुअली बेस्ट फिट वाली लाइन फाइंड कर ली ग्रेडियंट डिसेंट का यूज़ करके। और यहाँ पे दिख रहा है कि हमने ज़ीरो से चालू किया था एम और बी को, और धीमे धीमे रिड्यूस किया ना, तो लाइन ऐसे ऊपर चलती गई और धीमे धीमे एडजस्ट होके बेस्ट फिट हो गई। ओके, अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो इस ट्यूटोरियल का है उसमें मूव करते हैं, और वो है एक्सरसाइज। आपको एक्सरसाइज करनी ही करनी है, अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपको पढ़ाई कैसे आएगी भैया। देखो इस एक्सरसाइज में हम करेंगे क्या कि मैंने कुछ स्टूडेंट्स का मैथ और कंप्यूटर साइंस का स्कोर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो समझ लो ये है तुम्हारा एक्स और ये है तुम्हारा वाई। तुम्हें ये एक्स और वाई का कोरिलेशन फाइंड करना है, मतलब कि इक्वेशन यूजिंग ग्रेडियंट डिसेंट। वैसे और मैथ और सीएस के स्कोर का कोई ताल्लुकात नहीं होता है, लेकिन अगर मैथ में बंदा अच्छा कर रहा है तो मतलब इंटेलिजेंट है तो कंप्यूटर में ही अच्छा करेगा। तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि चलो कोई तो कोरिलेशन है ही है, राइट? जैसे ये बंदे का 49 मैथ में आए तो कंप्यूटर साइंस में भी कम ही आए। तो ग्रेडियंट डिसेंट का यूज़ करके आप ये इक्वेशन फाइंड करो। अगेन दिस इज़ एक्स, दिस इज़ वाई, आप एम और बी की वैल्यू फाइंड कर रहे हो और एक्स और वाई का कोरिलेशन निकाल रहे हो। और अगर आपको आइट्रेशन में स्टॉप करना है तो आप मैथ डॉट इज क्लोज फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। टॉलरेंस लेवल को आप ऐसा करो कि 1e-20 टॉलरेंस का यूज़ करो, और फाइंड आउट करो, ब्रेक करो लूप को जब भी तुम्हारा कॉस्ट मतलब बहुत ही ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है, राइट? तो आपकी लूप को ब्रेक कर दो और एम और बी की वैल्यू को प्रिंट करवा दो। ये ट्यूटोरियल में जो पाइथन कोड और जुपिटर नोटबुक मैंने डिस्कस की उसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने नीचे रखी है, और ये CSV फाइल है ना उसकी भी लिंक नीचे है। आपको गिटहब की मेरी जो रिपोजिटरी है उसमें रूट में जाके ग्रीन बटन दबा के उसको क्लोन करना है, तो ये बात आपको ध्यान में ज़रूर रखनी है। और आपका जो भी इस जो एक्सरसाइज है उसका भी मेरे ट्यूटोरियल में मेरे एक्सरसाइज फोल्डर में उसका आंसर है, लेकिन आंसर पहले मत देखो, पहले आप ट्राई करो और उसके बाद में आंसर देखो। आज के लिए इतना काफ़ी है, अगले ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि मॉडल जो ट्रेन हो चुका है ना उसको हम सेव कैसे करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड बाय।